लखनऊ से बड़ी खबर अब आपको दे देते हैं, जहां पर गृह सचिव एस के भगत हटा दिए गए हैं। गृह सचिव एस के भगत को हटा दिया गया है। एस के भगत को आईजी विजिलेंस अब बनाया गया है। गृह सचिव एस के भगत को हटा दिया गया है, यह बड़ी खबर आपको दे दें। एस के भगत को अब आईजी विजिलेंस बनाया गया। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। संतोष, इसके पीछे के बदलाव क्यों हटाया गया? देखिए, अभी जो आधिकारिक तौर पर तो ये रूटीन ट्रांसफर बताया जा रहा है और ये सिर्फ दो आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर है, लेकिन अगर देखा जाए तो होम सेक्रेटरी का हटाए जाना अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या वजह थी कि जो अभी तक दो महीने पहले ही एस के भगत को होम सेक्रेटरी बनाया गया था और उनको हटा दिया गया। अब तरुण गाबा उत्तर प्रदेश सरकार के नए होम सेक्रेटरी गृह विभाग में होंगे और एस के भगत आईजी विजिलेंस। अभी बीते सप्ताह ही जब लखनऊ में शिया धर्मगुरु कलबीर जब्बार के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और दिन भर ये प्रदर्शन चला, पूरी मशीनरी फेल थी, लखनऊ पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं कर पाए थे, तब रात में करीब 9:30 बजे एस के भगत ने शिया धर्मगुरु से बात करके प्रदर्शन खत्म करवाया था। यानी कि सरकार के लिए एक बड़े संकट के वक्त पर एस के भगत ने भूमिका अदा की थी, लेकिन उसके बाद भी एस के भगत का हटाया जाना उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में तमाम सवाल खड़े करता है। जी संतोष, आप हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पर मैं आपके पास लौटूंगा। तो एस के भगत को हटा दिया गया है और उन्हें आईजी विजिलेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई। लखनऊ से बड़ी खबर अब आपको दे देते हैं, जहां पर गृह सचिव एस के भगत हटा दिए गए हैं। गृह सचिव एस के भगत को हटा दिया गया है। एस के भगत को आईजी विजिलेंस अब बनाया गया है। गृह सचिव एस के भगत को हटा दिया गया है, यह बड़ी खबर आपको दे दें। एस के भगत को अब आईजी विजिलेंस बनाया गया। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। संतोष, इसके पीछे के बदलाव क्यों हटाया गया? देखिए, अभी जो आधिकारिक तौर पर तो ये रूटीन ट्रांसफर बताया जा रहा है और ये सिर्फ दो आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर है, लेकिन अगर देखा जाए तो होम सेक्रेटरी का हटाया जाना अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या वजह थी कि जो अभी तक दो महीने पहले ही एस के भगत को होम सेक्रेटरी बनाया गया था और उनको हटा दिया गया। अब तरुण गाबा उत्तर प्रदेश सरकार के नए होम सेक्रेटरी गृह विभाग में होंगे और एस के भगत आईजी विजिलेंस। अभी बीते सप्ताह ही जब लखनऊ में शिया धर्मगुरु कलबीर जब्बार के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और दिन भर ये प्रदर्शन चला, पूरी मशीनरी फेल थी, लखनऊ पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं कर पाए थे, तब रात में करीब 9:30 बजे एस के भगत ने शिया धर्मगुरु से बात करके प्रदर्शन खत्म करवाया था। यानी कि सरकार के लिए एक बड़े संकट के वक्त पर एस के भगत ने भूमिका अदा की थी, लेकिन उसके बाद भी एस के भगत का हटाया जाना उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में तमाम सवाल खड़े करता है। जी संतोष, आप हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पर मैं आपके पास लौटूंगा। तो एस के भगत को हटा दिया गया है और उन्हें आईजी विजिलेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई। लखनऊ से बड़ी खबर अब आपको दे देते हैं, जहां पर गृह सचिव एस के भगत हटा दिए गए हैं। गृह सचिव एस के भगत को हटा दिया गया है। एस के भगत को आईजी विजिलेंस अब बनाया गया है। गृह सचिव एस के भगत को हटा दिया गया है, यह बड़ी खबर आपको दे दें। एस के भगत को अब आईजी विजिलेंस बनाया गया। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। संतोष, इसके पीछे के बदलाव क्यों हटाया गया? देखिए, अभी जो आधिकारिक तौर पर तो ये रूटीन ट्रांसफर बताया जा रहा है और ये सिर्फ दो आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर है, लेकिन अगर देखा जाए तो होम सेक्रेटरी का हटाया जाना अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या वजह थी कि जो अभी तक दो महीने पहले ही एस के भगत को होम सेक्रेटरी बनाया गया था और उनको हटा दिया गया। अब तरुण गाबा उत्तर प्रदेश सरकार के नए होम सेक्रेटरी गृह विभाग में होंगे और एस के भगत आईजी विजिलेंस। अभी बीते सप्ताह ही जब लखनऊ में शिया धर्मगुरु कलबीर जब्बार के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और दिन भर ये प्रदर्शन चला, पूरी मशीनरी फेल थी, लखनऊ पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं कर पाए थे, तब रात में करीब 9:30 बजे एस के भगत ने शिया धर्मगुरु से बात करके प्रदर्शन खत्म करवाया था। यानी कि सरकार के लिए एक बड़े संकट के वक्त पर एस के भगत ने भूमिका अदा की थी, लेकिन उसके बाद भी एस के भगत का हटाया जाना उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में तमाम सवाल खड़े करता है। जी संतोष, आप हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पर मैं आपके पास लौटूंगा। तो एस के भगत को हटा दिया गया है और उन्हें आईजी विजिलेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है।